रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू प्रेजेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विद द हाईएस्ट स्टेट ऑर्डर ऑफ द रशियन फेडरेशन, नेमली द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के बीच राजनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाया है, इसलिए उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया जा रहा है। ये रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूँ कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और चाहिए था, जरूरत थी। वो जो रशिया और चाइना का जो चीजें आपस में अलायंस पड़ता जा रहा है उसको डिफ्यूज करने के लिए कल ये चीजें होंगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रशिया मॉस्को, और अब तो जो बायलैटरल टॉक्स होनी थी वो भी अब सामने आ गई हैं, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसा करेजियस स्टैंस देखने को मिला है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि उन्होंने ये बात की है, और वो स्टैंस है यूक्रेन वॉर पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बल्कि दुनिया भर के मीडिया और उनके जो लोग हैं सबकी नज़र रूस के अंदर मोदी जी और पुतिन के मीटिंग पे है, और सभी इस बात को जानते हैं कि मोदी जी और पुतिन के बीच हुए बातचीत का एक एक शब्द का वैल्यू है, क्योंकि इस समय अभी रूस के अंदर मोदी जी और पुतिन के बीच हो रहे बातचीत पर अब दुनिया भर की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है, जिसमें वेस्ट को जो खास तौर से जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें मोदी जी और पुतिन जी के बीच में क्या बातचीत होती है उस पर नज़र है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया की नज़र मोदी और पुतिन जी के बीच में जो आतंकवाद पे चर्चा हुआ उस पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की फौरन नज़र गई। तो वहीं पर भारत के नज़रिए से मोदी जी का यह दौरा भारत और रूस के संबंध को लेकर के काफ़ी सफल हो रहा है, और भारत के लिए वर्ल्ड स्टेज पर भी ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। और जिस तरह से मोदी जी का रूस में स्वागत किया गया और उसके साथ आज मोदी जी को पुतिन ने रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया, जो कि रूस के द्वारा यह ऐसा पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं रशिया मॉस्को, और अब तो ये विजिट काफी आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह यह है कि जो बायलैटरल टॉक्स होनी थी वो भी अब सामने आ गई हैं, और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसा करेजियस स्टैंस देखने को मिला है, और वो स्टैंड्स है यूक्रेन वॉर पर। मैं सोच रही थी कि क्या मोदी साहब की तरफ से पुतिन के सामने ये बात की जाएगी और वो कैसे उनको कहेंगे कि ये जो यूक्रेन वॉर है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने दो टोक अंदाज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा के जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है। अब आप जानते हैं कि ये बात उन्होंने किस पर कही है। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर उनको कन्फ्रंट किया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले कल रात को रशिया की तरफ से यूक्रेन पर जो एक हमला किया गया उसमें 37 लोग कहे जा रहे हैं उसमें बच्चे भी मारे गए हैं, और 37 से 40 के करीब लोग उसके अंदर मारे गए हैं। तो ये डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि जो वॉर है, एक तो ये कि डायलॉग ही वो रास्ता है कि जिसके थ्रू आप वॉर का हल निकाल सकते हैं। ये जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में एक ही बंदा है और वो नरेंद्र मोदी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएट करवा सकता है और ये जंग बंद करवा सकता है, तो क्या ये जो बात की है नरेंद्र मोदी ने वहां पर ये किसी मीडिएशन से कम तो नहीं है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि आपने जो हमला किया बच्चे मारे गए तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, इससे बहुत बहुत ज्यादा ये दर्दनाक चीज है। ये तो एक स्टैंड से एक बहुत क्रेडियस स्टैंड नजर आ रहा है मुझे इसके अंदर, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि उन्होंने ये बात की है। अच्छा, इसमें हुआ ये कि क्योंकि कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले आज सुबह के टाइम ज़ेलेंस्की की तरफ से जो है वो भी एक स्टैंड आया था, और वो उनका कहना ये था कि
जो इस वक्त हालात है, और क्योंकि कुछ घंटे पहले रशिया की तरफ से वहां पर एक और हमला किया गया था, तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि अगर एक बड़े कंट्री का और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंचता है तो इस बात पर शिकायत थी जेलेंस्की को। अच्छा, फिर इसके अंदर और बहुत सारी बातें हुई, वहीं पर मोदी साहब ने दहशतगर्दी का जिक्र भी किया है। आतंकवाद के मुतासरा हैं, दहशतगर्दी को 40 सालों से झेल रहे हैं, 40-50 सालों से दहशतगर्दी का हमें सामना है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहा कि आपके मुल्क में भी ऐसे कोई जो भी वाकयात हुए दहशतगर्दी के, उसको हमने कंडेम भी किया और हम सोच सकते हैं हम आपके साथ हैं उसके अंदर, लेकिन जो वॉर है उसके लिए बैटलफील्ड सोल्यूशन नहीं है, टॉक्स होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो यूरोप के अंदर देखी जा रही है और अमेरिका में देखी जा रही है वो ये है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका जो दौरा रूस है वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, ये उन्होंने कहा है बात। और उस वक्त वो कह रहे हैं कि दौरा किया है नरेंद्र मोदी ने जब बच्चों के हॉस्पिटल में कीव में हमला किया गया। अब जाहरी बात है इसको अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस बड़ी अहमियत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रशियन सदर को मिल रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि जिस घर में नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ बैठ के चाय खाने और मज़े कर रहे हैं, घोड़ों को देख रहे हैं, उससे 600 किलोमीटर दूर रशियन मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन के शहरों पर बरसाए जा रहे हैं जिसमें कल 39 लोग मारे गए। मेरे ख्याल से आई थिंक द अमेरिकन्स हैव आस्क्ड ज़ेलेंस्की टू स्पीक, ये अमेरिकन्स ने ज़रूर ये बात करवाई है उससे कि आप ये बात करें, और इससे ये है कि एटलीस्ट इंडिया पे हम प्रेशर डाल सकें। अगर इंडिया पे प्रेशर नहीं भी डलता तो एटलीस्ट यूरोप और वेस्ट के अंदर इंडिया के बारे में ये ओपिनियन बिल्ड कर सकें कि इंडिया हमारी बात नहीं सुनता। मेरा ख्याल ये है कि कोई किसी के लिए ताल्लुकात ख़त्म भी नहीं करता, बंद भी नहीं करता, लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। द क्वेश्चन इज के इंडिया जो है वो रशिया पे तनकीद नहीं करता। देखिए इंडिया और यूक्रेन जो है ना उनके क्या आपस में ताल्लुक है अगर देखा जाए तो, अगर सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रही है इंडिया इज फाइनेंसिंग वॉर, ठीक है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? इंडिया कहता है मैं तो तेल ले रहा हूँ, मैं जंग को कहाँ फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं तो जो इतना सस्ता तेल ले रहा हूँ अपने लोगों के लिए, मैंने तो अपने लोगों को देखना, मुझे इनसे क्या गर्ज है यार कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रशिया के क्या प्लान्स हैं। रशिया पिछले इतने दहाइयों से, रशिया जब वर्ल्ड वॉर टू लड़ रहा था तो इंडिया को क्या पता है वो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे। सो इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट यार।